अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल नून कैलीग्राफी। तो गाइस, आज हम लोग सबक नंबर 4 छोटे कद की लड़की इसको समझेंगे। आज मैं इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप न्यू हैं इस चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और इसको आज हम समझ लेते हैं इस चैप्टर को। ये इसके जो मुसन्निफ है, ये एक अफसाना है। इसके मुसन्निफ है कौसर चांदपुरी। इन्होंने इस अफसाने को लिखा है। कौसर चांदपुरी के लिखे हुए उस अफसाने में उन्होंने एक ऐसी लड़की का जिक्र किया है जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीती है, दूसरों के लिए अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान करती है। मुसनिफ लिखते हैं कि एक छोटे कद की हसीन खूबसूरत लड़की, जिसको एक सेमिनार में बोलते हुए सुना, जो इतने खूबसूरत अंदाज में इंग्लिश की तकरीर कर रही थी कि हर शख्स की नज़र उस पर टिकी हुई थी। सेमिनार ख़त्म होने के बाद अभी उसका ख्याल दिल से ख़त्म भी नहीं हुआ था कि 15 दिन बाद मुसनिफ ने दूसरी मरतबा उसे अपने घर की मंजिल से सामने सड़क से गुजरते हुए देखा। हालांकि वो ऊंचाई से काफी छोटी दिखाई दे रही थी। इस छोटे कद की लड़की को देखकर मुसनिफ के ज़हन में अल्फाज गूंज रहे थे कि समाज की तामीर एक आदमी नहीं कर सकता। फिर अगली बार ऑफिस से लौटते वक्त मुसनिफ को ये मालूम हुआ कि उस लड़की का नाम शीला है, जो कि उनके घर के सामने वाले फ्लैट में रहती है। फिर एक मरतबा मुसनिफ ने देखा कि ये लड़की नीली साड़ी, काले रंग का चश्मा, पैरों में रबड़ की सस्ती चप्पल, छोटे छोटे कदम के साथ घर से निकली और धीमी रफ्तार से दूर तक चली गई। मतलब ना तो उसने कोई ऑटो लिया, ना किसी टांगे वाले को रोका। कॉलेज में पढ़ाने की वजह से उसकी सैलरी तो अच्छी थी, फिर भी कंजूसी किस लिए? मुसनिफ के जहन में इस तरह के सवाल आने लगे, क्योंकि वो जानते थे इस कॉलेज टीचर्स को, जो बहुत सी जो स्कूटर या टैक्सी के बगैर घर से निकलती नहीं थी, और कीमती लिबास पहनने की आदी थी। शीला और उसमें बहुत फर्क था। अभी कई तरह के सवाल मुसनिफ के मन में घूम ही रहे थे कि उनके उनकी जो बूढ़ी नौकरानी प्रदीप ने बताया कि शीला की शादी नहीं हुई है, वो अकेली रहती है, खुद ही खाना बनाती है। ये सुनकर मुसनिफ ने शीला के बारे में अंदाजा लगाया कि शायद वो किसी के इश्क में नाकाम हो गई है, और इसलिए वो दिल ही दिल में, मतलब उसके दिल में कोई दिलकशी, कोई उमंग बाकी नहीं रही। ऐसी सूरत में उसे दिल खोलकर पैसा खर्च करना चाहिए। नामुरादी के जख्मों को भरने का सबसे अच्छा तरीका तो यही है। कभी ये भी ख्याल हुआ कि वो अपने माँ बाप और भाई बहनों की खबरगिरी कर रही है, चाहे जो कुछ भी हो, उसकी ज़िंदगी एक मामा बन, एक टीचर ही बनकर रह गई है। एक दिन अचानक नौकरानी प्रदीप ने बताया कि आखिर जो प्रदीप थी उनकी नौकरानी, उन्होंने खबर दी कि शीला को बहुत बुखार है, इसलिए इसके लिए अभी किसी डॉक्टर को बुलाना है। ये सुनकर मुसनिफ जब शीला के घर पहुंचे तो वो बुखार में बेसुध पड़ी थी। मुसनिफ ने डॉक्टर सहगल को बुलाया और प्रदीप को शीला की देखभाल करने के लिए वहीं छोड़ दिया। अब शीला इस बात से बहुत परेशान थी कि डॉक्टर की फीस और दवाई पैसे सब चुकाना पड़ेंगे और उसकी बजट में इतने रुपये नहीं है। ये तमाम अखराजात मुसनिफ ने बर्दाश्त किए। हालांकि तनख्वाह मिलने के बाद शीला ने मुसनिफ का कर्ज अदा कर दिया, लेकिन मुसनिफ के ख्याल में एक कंजूसी की बदतरीन शक्ल थी, जो अपनी सेहत के लिए भी खर्च ना कर सके, और इसी वजह से शीला मुसनिफ की नजरों में छोटी से छोटी होती चली जा रही थी। मुसनिफ ये सोच रहे थे कि इतना पैसा होने के बाद भी शीला कितनी कंजूसी कर रही है, कि वो अपनी दवा इलाज और अपने ऊपर भी इतना अपने ऊपर भी खर्च नहीं कर रही है। मतलब वो पैसे को बचा बचा के रख रही है, इतनी कंजूसी। शीला के सेहतमंद होने के बाद जब मुसनिफ का शीला से फासला कम हो गया, तो उन्होंने कुछ ज़ाती नौयत के सवाल किए, जिससे मालूम हुआ कि आगे चलकर फिर जो मुसनिफ थे उन्होंने मतलब पूछना चाहा कि क्या मतलब है। तो उन्होंने जब उनसे पूछा तो मालूम हुआ कि शीला की तनख्वाह कितनी 800 रुपये है, और उसका अपना खर्च 150 रुपये से ज़्यादा महीने का नहीं है। इत्तेफाक से ना तो उसके माँ बाप है और ना कोई भाई, फिर भी महीने की 800 रुपये तनख्वाह कम पड़ जाती है, क्योंकि शीला की बहुत सारी नाबीना बहनें हैं जिन पर वो खर्च करती है। गालिबन इनकी तादाद 20 से ज़्यादा नहीं है, बहनों की इतनी तादाद क्यों कर हो सकती है। इस बात से पर्दा उठाते हुए शीला ने बताया कि उसकी एक छोटी बहन है, जो कि बहुत मासूम भोली है, लेकिन वो नाबीना है। नाबीना मीन्स वो देख नहीं सकती है। एक दिन जब उसने पापा को खत लिखने की बात कही तो शीला का दिल पिघल गया, और उसने देख लिया कि जितनी भी नाबीना लड़कियां हैं वो उनके लिए स्कूल खोल कर उन सबको पढ़ाएगी और लिखाएगी। मैं अपनी तमाम तनख्वाह उन्हीं पर खर्च करती हूँ, शीला कहती है कि वो उसकी जितनी भी सैलरी आती है वो सारी तनख्वाह उन्हीं नाबीना बहनों पर खर्च कर देती है।
अब तो काफी लड़कियां पढ़ना लिखना सीख चुकी हैं और उसकी बहन लक्ष्मी भी स्कूल में टीचर हो चुकी है। शीला की ये हकीकत सामने आने के बाद मुसनिफ कहते हैं कि अब मैं जब भी शीला को देखता हूँ तो वो पहाड़ की चोटी से भी ज्यादा ऊंची दिखाई देती है। उम्मीद करती हूँ चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ये चैप्टर ऐसी लड़की के बारे में जो हाइट से तो बहुत छोटी है, कद से तो बहुत छोटी है, लेकिन जो उसका उसका जज्बा है वो उसकी हाइट से ज्यादा है। तो इसलिए कभी भी हमें छोटे इंसान को देखकर ये नहीं तस्वीर कर लेना चाहिए कि उसकी हाइट कितनी छोटी है, क्या पता उसके इरादे जो है हमसे भी ज्यादा या एक लंबे इंसान से भी ज्यादा बुलंद हो। उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको सॉल्व करने की। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।